चक्रपाणी महाराज बेवकूफ चंद्र विद्यासागर अकल के अंधे गधे के बच्चे, तेरे को एक बात बताऊं। 9 साल से तेरा बाप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, भारत में हिंदू को धर्म की मान्यता नहीं दिला पाया। कौन? तेरा बाप नरेंद्र मोदी। तेरे को साले वहां जाके चांद पे के पट्टे, वहां चांद को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू बाकी दुनिया में जवाब नहीं दे पाते कि तेरे जैसे भोले चूतिये पैदा कैसे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है, अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। संसद ने प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया। ये है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा डिक्लेयर किए गए फ्रॉड साधु चक्रपाणी महाराज, जो के हिंदू महासभा से भी निकाल के फेंक दिए गए थे, अब कहीं नालियों में गटर गैस बना रहे हैं। इनकी बातों की 2 कौड़ी की कीमत कभी ना हुई ना होती है, बस मीडिया में बने रहने के लिए चुतियापा ठोकते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं ये कि पार्लियामेंट में, भारत की संसद में आप प्रस्ताव कर पास करके यूनाइटेड नेशंस से ये कहा जाए। मैं यूनाइटेड नेशंस भारत की संसद की बात क्यों सुनेगा? कुछ भी, उल्टा हमारी संसद को यूनाइटेड नेशंस की बात सुननी पड़ती। खैर, इसकी अकल में नहीं आएगा। और साथ साथ बोल रहा है कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि चंदा मामा से सनातनियों का बचपन का नाता है। तो चक्रपाणी महाराज, तेरे बचपन की एक बात बताऊं। तू जब 6-7 साल का था ना, तब एडगर मिचल नाम का एक एस्ट्रोनॉट, अवकाश यात्री, वो 6ठे नंबर का ऐसा यात्री बना जिसने चंद्रमा पे पहुंच के वहां चला फिरा घूमा। टोटल 12 लोग चंद्रमा पे अब तक उतर चुके हैं, जिसमें वो 6ठे नंबर पे था। एडगर मिचल की एक खासियत यह है कि वो अपने साथ बाइबल लेके गया था। जी, बाइबल समझते हैं, वो बाइबल लेके गया था और उस बाइबल को वो चांद पे रख के आया। टोटल ऐसी 11 बाइबल्स थी जो चांद को छुआ के एक वहां रख के और बाकी को वापस भारत पे लाया गया, सॉरी पृथ्वी पे लाया गया, जिसमें से 7 अभी भी प्रचलन में है। हर एक की कीमत लगभग $30,000 है। ईसाइयों में भी चांद का बहुत महत्व है, मुसलमानों में भी महत्व है, हिंदुओं में तो है ही। आप बता रहे चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, लेकिन चक्रपाणी महाराज बेवकूफ चंद्र विद्यासागर अकल के अंधे गधे के बच्चे, तेरे को एक बात बताऊं। 9 साल से तेरा बाप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, भारत में हिंदू को धर्म की मान्यता नहीं दिला पाया। कौन? तेरा बाप नरेंद्र मोदी। सनातन को धर्म की मान्यता नहीं दिला पाया। कौन? नरेंद्र मोदी। भारत में संवैधानिक तौर पे दोनों धर्म नहीं है। और तेरे को साले वहां जाके चांद पे के पट्टे, वहां चांद को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब इंडिया को तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाया, बहुत दूर, हिंदू धर्म की संवैधानिक मान्यता नहीं दिला पाया तेरा बाप। और तेरे को शिव शक्ति जो पॉइंट है वो वहां की राजधानी बनाना है। तेरे जैसे गधे की औलादों की वजह से हम हिंदू बाकी दुनिया में जवाब नहीं दे पाते कि तेरे जैसे भोले चूतिये पैदा कैसे होते हैं। तू पक्का किसी मुल्ले की, पाकिस्तानी मुल्ले की औलाद है तू, पक्की बात। तेरा बाप वहां से आया था, लाहौर से, कराची से, कहीं से। साले तेरे जैसे चूतों की वजह से लिटरली इंडिया ना सिर्फ बदनाम है पर यहां का भविष्य भी बर्बाद है, समझे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तेरे जैसे लिंडू राष्ट्र नहीं बना सकते। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।